प्रशासन जिला प्रशासन किशनगंज के दिघल बैंक में फिर एक बार लाखों की लागत से बना पुल का अप्रोच धंस गया है, जिसकी वजह से कई गांव मुख्य धारा से कट गए हैं। ये घटना पतरघट्टी के गोवाबारी की है, जहां पर 3 साल पहले उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त हुआ था, जिसे दोबारा बनाया गया और फिर अप्रोच कनकई नदी में समा गया है, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष है। गौरतलब है कि कनकई नदी यहां पर 2 धारा में बढ़ती है, जिसकी रोकथाम के लिए लोग लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से ग्रामीणों के लिए विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। आइए जानते हैं गोवाबाड़ी के लोगों का क्या कहना है। देखिए, ये पुल जो हमारा है प्रखंड दिघल बैंक और पंचायत पतरघट्टी वार्ड नंबर 10 में है। ये पुल 2 साल हो चुका है और 2 साल के अंदर में साल भर से कटाव जारी है और साल भर से, और हम लोग जो है 5 महीना से जो है डीएम के पास गए बोर्ड, और हमारे क्या नाम डीएम साहब यहाँ आए भी, देख के भी गए, हम लोगों को आश्वासन भी देके गया, लेकिन काम शुरू होगा, लेकिन काम का नतीजा अब तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद कोई पहल नहीं हुआ। उसके बाद जो है फिर कटना शुरू हुआ, उसके बाद कोई आया, ये हमारे विधायक जी आए, वो देख के लोग प्रशासन से यही सहयोग मांगते हैं कि हमारा सुरक्षा होना चाहिए, हमारा गांव को बचाव होना चाहिए। ये पुल जो है ये आज 4-5 गांव का ये रास्ता है, अगर ये आज विलन हो गया लर्दी में तो सब जो है टापू की तरह रह जाएगा, कहीं किसी का जाने का कोई रास्ता नहीं है। बोलिए। 10 वार्ड में जो है नदी हम लोग को बहुत तंग कर रहा है। पतरघट्टी पंचायत में पुला जो 2 साल होने के लिए जा रहा है वो पुला आज कट रहा है, कट गया है सर। आप लोग जहां आदमी है, जहां का आदमी है, वहां आकर को पुला को सही करिए। हम लोग को जान बचना चाहिए। यहाँ एक जो कट गया, अभी जो कट जाएगा तो ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इसमें कम से कम 400 बस्ती का गांव है। टोटल आबादी कितना है गांव? 10,000 से ऊपर आदमी है। ये सब कट जाएगा, कहाँ जाएगा ये? रात भर अभी काम नहीं होगा तो रात भर में सब खत्म हो जाएगा। आज मतलब यानी आज से महीना दिन पहले विधायक अंजार नेमी साहब यहाँ आए थे। मतलब यानी 10-15 लोग आदमी हम सब मिलकर बोले थे कि यहाँ मतलब यानी बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। उस समय पानी भी नहीं था, वो बोला कि बोले यहाँ बोले बोल्डर पिचिंग। हाँ, ये पुल का क्या हुआ था? पानी जो भराया गया अभी जी, नदी है ना, प्लेट यहाँ टूट गया जी, तो इसलिए कि पुल की लापरवाही की वजह से हुआ है। पहले काम करता तो पुल का काम बराबर नहीं हो पा रहा। आप लोग प्रशासन से कुछ मांग किए थे क्या? ध्यान नहीं दे रहा है पुल की तरफ। बोलिए बोलिए। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे देने के लिए।